हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को इस जो है वीडियो में आपको YouTube चैनल का बैनर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को YouTube चैनल का बैनर अगर अच्छे से बनाना है तो आप लोगों को हमारे वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक देखना है। मैं आप लोगों को अच्छे से जो है अच्छा जो है बैनर बना के आपको दिखाऊंगा, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो लास्ट तक देखना है और अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है इस मोबाइल में चले आना है और मोबाइल में आने के बाद मैं यहाँ आपको जो है इस तरह का जो है पिक्सल लैब का जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेने का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसको जो है आपको डिलीट करना है। तो यहाँ कॉर्नर पर डिलीट का जो आइकन दिखा रहा है इस पर जो है आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है इसका इमेज साइज जो है सेटिंग करना है, तो यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ आप आओगे तो यहाँ इमेज साइज दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ जो है कस्टम पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहाँ दिखा रहा है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। बरोबर से आप लोग जो है समझिएगा, यहाँ पे और भी दिखा रहा है, फेसबुक कवर है, यूट्यूब बैनर है और प्रोफाइल पिक्चर है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लगाना है, तो यूट्यूब थंबनेल पे जो है क्लिक करना है। यूट्यूब बैनर पे नहीं लगाना है, बैनर तो हम बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो है आपको YouTube थंबनेल ही सेटिंग करना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस पर जो है क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो है ओके कर देने का है। उसके बाद में इसका जो है बैकग्राउंड जो है हमें जो है कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है क्लिक करना है, यहाँ पे जो है कलर दिखा रहा है कलर। उसके बाद में आप क्या करने का, इसको जो है पहले जो अपना कलर सेट कर लेते हैं, कलर सेट कर इसको जो है ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ जो दिखा रहा है इस पर जो है हमें क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है तो दोस्तों अब यहाँ हमें एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टेम्पलेट जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जो है डाउनलोड कर लेना। और जो पहले पिक्सल लैब जो है वो भी मैं वीडियो में जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उसको डाउनलोड कर। जो भी मैं यहाँ डालूंगा आपको सभी हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है नीचे आप जाओगे, जहाँ सब्सक्राइबर का जो आइकन रहता है उसके नीचे आप जाओगे तो वहाँ सभी आपको लिंक मिलेगा। आप वहाँ से जाके जो है जो भी आपको लिंक चाहिए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं जो है यहाँ जो है उसको ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ आपको चले आना है। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारा उसको ढूंढ लेना है, उसको जो है मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ है इसको जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको जो है हाथ से नहीं बड़ा करना है। इसको क्या होगा, आप हाथ से बड़ा करोगे तो जब आप अपने YouTube के जो बैकग्राउंड में जब आप इसको सेटिंग करोगे बनर में तो जो है ये पूरा दिखेगा नहीं। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर जो है दिखा रहा है। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे जो है क्लिक करना है, यहाँ पे मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको जो है यहाँ पे जो है इस तरह बाजू से चले आना है और यहाँ पे दिखा रहा है रिलेटिव साइज, इसको जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसको जो है आप क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ जो है इसको जो है 100 कर देना। ये देखो 100 करने के बाद में यहाँ पे जो है ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद में हम इसको जो है कलर का जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है चले आना है कलर पे और यहाँ जो है आपको कलर जो है सेलेक्ट करना है, तो कलर को मैं जो है यहाँ पे ताकि जो है बराबर से आपको दिखे इसको मैं जो है रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है आपको जो है यहाँ पे लिखना है अपना जो है किस तरह से जो है लिखना है अपने हिसाब से आप जो है लिख सकते हो। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है अपना जो है फ़ोटो सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है चले आना है गैलरी पर, गैलरी पर आने के बाद यहाँ जो है आपको अपना जो है फ़ोटो ढूंढ लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो फोटो यहाँ पे जो है ऐसे सेलेक्ट कर लेना। तो ये फोटो अभी क्या कैसा दिखा रहा है, अभी जो है स्क्वायर में दिखा रहा है। आपको इसको क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है। तो राउंड करने के लिए आपको यहाँ दबाना है, ये देखो यहाँ पे जो है क्लिक करना है। अब ये जो है राउंड हो गया, अब इसको आप जो है छोटा बड़ा भी इस तरह से जो है आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसा आपको चाहिए आप छोटा बड़ा यहाँ पे जो है आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो है क्लिक करना है। अब ये जो है आपको बड़ा दिखा रहा है तो इसको आपको जो है बड़ा दिखा तो इसको यहाँ से जो है छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है मैं यहाँ पे जो है छोटा कर लेता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे जो है इसमें जो है पूरा अच्छे से यहाँ पे जो है सेट कर देना। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना कि आपको ये जो दिखा रहा है यहाँ वाला ये यहाँ पे
ये जो दिखा रहा है इसके और इसके, ये दोनों को छोड़ के आपको यहाँ पे जो है लिखना, जो भी लिखना, अगर आप मोबाइल पे जो है सेट करना है और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेट करना है तो आप पूरे पे जो है लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको यूट्यूब जो है मोबाइल में अगर सेट करना है तो आपको इसको अंदर ही रखना है। इसके अंदर रखने से क्या होता है दोस्तों, आपके मोबाइल के बैनर में बरबर पूरा आएगा, यहाँ पे करोगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो दिखा रहा है इसको हमें जो है यहाँ पे लॉक कर लेना है। लॉक कर लेने से क्या होता है कि इधर उधर ये जो है हिलता नहीं है। ठीक है, देखो हिलता नहीं इधर उधर। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो है आपका जो है जो नाम आपके हिसाब से जो लिखना चाहते हैं वो नाम लिख लीजिए। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये प्लस वाले पे आइकन पे दबाना, यहाँ टेक्स है, टेक्स पे यहाँ पे जो है इसको जो है डबल टैप करोगे तो खुल के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको जो है अपने हिसाब से आपको नाम अपना लिख लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जो है अपना नाम यहाँ पे जो है अपना जो यूट्यूब का चैनल का जो नाम है उसको मैं लिख लिया, और उसको बाद में आप यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पे जो है सर्कल लाना, इसको जो है आपको जो है छोटा कर लेना है, छोटा बड़ा आप जो है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है छोटा बड़ा आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। इसको जो है आप हम जो है कुछ जो है अच्छे से इसको कर देंगे। तो यहाँ पे जो है क्लिक करना, यहाँ पे बाजू में चले जाना, इसके बाद में जो है यहाँ पे बी पे जो है सेलेक्ट करना। बी पे करने से क्या होता है उसका जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद में यहाँ आपको साइड ना स्ट्रोक पे करना, स्ट्रोक पे करने से क्या होता है खिल जाता है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है नाम लिख लेना। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे जो है लोगो दे देंगे। लोगो देने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे प्लस पे जो है क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक में यहाँ जो है क्रोम गैलरी पे चले आना है। ठीक है, क्रोम गैलरी आने के बाद में यहाँ जो है खुल के ये आ गया। इसको क्या करना है आपको अपने हिसाब से तो इसको ले लेना है। देखो मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ इसको। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके जो है निकाल लेने का, बिना कॉपीराइट का है, सब फ्री है। ठीक है, देखो यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों ये बड़ा दिखा रहे हैं, तो इसको क्या करना है इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपको जो है सर इस तरह से जो है कर देना है। ठीक है, तो देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरह से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यूट्यूब का लोगो दे देना है। तो मैं ठीक है मैं प्लस पे चले आता हूँ, उसके बाद मैं गैलरी पे चले आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जो क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे लोगो जो है ढूंढ लिया हूँ। इसके बाद मैं आपको क्या करना है इसको जो है ऐसा जो है छोटा कर लेना है। ठीक है, तरह से इसको आप जो है यहाँ पे आप इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद भी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखो बहुत बड़ा दिखा रहा है, इसको क्या करना है देखो छोटा सा सेट कर लेना और यहाँ लाके इसको जो है सेलेक्ट कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप ऐसे छोटा करके आप यहाँ पे जो है इसको जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अपने साथ। तो दोस्तों ये जो है बनर जो है बनके जो है क्लियर हो गया है। अब इसको जो है मैं आपको जो है अपने YouTube में सेट करके दिखाता हूँ किस तरह से सेट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ जो है सबसे पहले आपको क्या करना है इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेव एज इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो है PNG पे क्लिक करना है। ठीक है, PNG भी करने से क्या आता है बरूबर आता है। उसके बाद यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका जो है यहाँ देखो सेव बता रहा है। तो चलिए मैं जो है अपने जो है यूट्यूब में इसको जो है सेट करके आपको लाइव जो है दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने जो है अपने यूट्यूब जो है बंदर में जो है इसको जो है सेट कर लिया है। आप भी इस तरह से जो है आप जो है सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने जो है सेट कर लिया है। तो इस तरह से जो है आप अपने मोबाइल में जो है सेट कर सकते हो यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।